गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि हम उड़ान वर्कशीट्स कर रहे हैं आजकल, तो ये उसी सीरीज़ में ही आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है इंग्लिश की, मैप्स एंड डायरेक्शंस। डायरेक्शन आप समझते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारी चार डायरेक्शंस मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इनके बीच में जो है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो इसी मैप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर एक मैप बना हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और यहाँ हमने उसकी डायरेक्शन बतानी है। मिकी गो टू स्कूल, तो स्कूल की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर है ये स्कूल, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसमें, ही गोज टू रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट जो है हमारा इरा, ये है हमारा ईस्ट में। उसके बाद हमारा मिक्की गोज टू ग्रैंड मदर्स हाउस, नाउ ग्रैंड मदर्स हाउस कहाँ पर है, साउथ में। एस His friend Tom wants him to come over his house. तो टॉम का हाउस कहाँ है, नॉर्थ में। मिकीज फैमिली गोज टू द रिजर्वायर्स, नाउ रिजर्वायर्स कहाँ है हमारे, वेस्ट। इस तरह से आपने इसको करना है। ही वॉन्ट्स टू प्ले एट प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड इज इन, ये दोनों डायरेक्शंस के बीच में है, ईस्ट और साउथ, तो साउथ ईस्ट। देन वी हैव ऑन संडे मिकीज फैमिली गोज टू विजिट द गार्डन, गार्डन ये है हमारा साउथ वेस्ट। लास्ट है इसमें, मिकी इज गोइंग टू द लाइब्रेरी टू कलेक्ट बुक्स, लाइब्रेरी की डायरेक्शन क्या है हमारी, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से आप मैप की रीडिंग कर सकते हैं और डायरेक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत फनी सी एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए, और आपको इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिल रहे हैं, जैसे स्कूल, रेस्टोरेंट, प्लेग्राउंड, गार्डन, रिजर्वायर, लाइब्रेरी, तो बहुत सारी न्यू स्पेलिंग्स भी आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अपनी कॉपी में आप इसे ज़रूर करें। थैंक यू।